नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की जो परेशानियां हैं वो यहां पर थमने का जो है वो नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों, रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर फिर से यहां पर दोस्तों नई जो है दोस्तों लिमिट जो है सेट कर दी गई है कि एक दिन में आप लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से कितनी UPI ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड को लेकर नई अपडेट जो है आ चुकी है कि एक दिन में आप अपने एक रुपए क्रेडिट कार्ड से कितनी UPI पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो UPI लिमिट सेट की गई है ये सिर्फ आपके एक क्रेडिट कार्ड की नहीं, अगर आपके पास दोस्तों 5 रुपये क्रेडिट कार्ड है, 4 है, 3 है, 2 है, तो सभी रुपए क्रेडिट कार्ड में एक दिन में आप लोग मिलाकर कितनी UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसकी लिमिट जो है यहाँ पर वो सेट कर दी गई है। तो नई अपडेट क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले आप लोगों को बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद क्रेडिट कार्ड के लिंक सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर जो है वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर नया रूल ये आ गया है कि आप सभी के रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर यहाँ पर नई UPI लिमिट जो है उसको यहाँ पर सेट कर दिया गया है। UPI लिमिट सेट करने का मतलब है कि आप लोग एक दिन में अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से कितनी स्कैन एंड पे कर जो आप मर्चेंट को ट्रांजेक्शन करते हैं कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उसकी लिमिट सेट कर दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों इस अमाउंट को बहुत ही कम जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पहले से रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर UPI लिमिट पहले से सेट थी कि आप लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से एक दिन में 2000 रुपये की फ्री UPI पेमेंट कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर आप लोग 2000 या उससे कम की UPI पेमेंट करना चाहेंगे तो UPI पेमेंट नहीं होने वाली है। मर्चेंट ने अगर एक्टिवेट कर रखा हो तो UPI पेमेंट 2000 से कम की हो जाएगी, ऐसे में मर्चेंट को यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर नया रूल ही आ चुका है, आपके पास चाहे 1 रुपये क्रेडिट कार्ड हो, चाहे 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी क्रेडिट कार्ड में मिलाकर अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपये क्रेडिट कार्ड है, तो पहले के पुराने रूल के हिसाब से आप लोग अपने सभी रुपए क्रेडिट कार्ड से एक दिन के अंदर 2000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपके पास अगर 5 क्रेडिट कार्ड है तो आप लोग 10000 रुपये की UPI पेमेंट कर सकते थे, फ्री UPI पेमेंट जो है कर सकते थे। लेकिन नए रूल के मुताबिक अब आपके पास अगर 1 क्रेडिट कार्ड है, चाहे 5 रुपये क्रेडिट कार्ड है, सभी को मिलाकर आप लोग एक दिन में 2000 रुपये की ही UPI पेमेंट करना कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक HDFC बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है, एक दोस्तों यहाँ पर SBI बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड, एक ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपके एग्जाम्पल में आप सेट कीजिए कि 3 रुपये क्रेडिट कार्ड आपके पास है और आपने अगर अपने HDFC बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड से एक दिन के अंदर 2000 रुपये की UPI पेमेंट कर ली, तो बाकी जो आपके 2 क्रेडिट कार्ड है, रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो SBI बैंक के, ICICI बैंक के, उनसे भी आप लोग UPI ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे 24 घंटे से पहले। यानी कि यहाँ पर दोस्तों अब एक दिन के अंदर आपके पास चाहे जितने रुपए क्रेडिट कार्ड हो, एक क्रेडिट कार्ड से अगर आपने 2000 रुपये की UPI पेमेंट कर ली, तो बाकी क्रेडिट कार्ड से आप लोग 2000 रुपये की UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उससे नीचे की UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा की UPI पेमेंट आप लोग कर सकते हैं अगर मर्चेंट ने उसको एक्टिवेट यहाँ पर कर रखा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों नई UPI लिमिट सेट कर दी गई है कि 2000 रुपये की UPI पेमेंट आप लोग एक दिन में कर सकते हैं, भले आपके पास 1 करोड़ रुपये क्रेडिट कार्ड हो, आपके पास 10 रुपये क्रेडिट कार्ड हो आपके पास, लेकिन 24 घंटे में 2000 रुपये की UPI पेमेंट अगर आपने अपने 1 रुपये क्रेडिट कार्ड से कर ली, तो बाकी 9 रुपये क्रेडिट कार्ड, जो कि मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बाकी 9 रुपये क्रेडिट कार्ड से आप लोग 2000 रुपये की UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे, 2000 रुपये से ऊपर की ही UPI पेमेंट आपको करनी पड़ेगी अगर मर्चेंट ने इसको एक्सेप्ट जो है वो कर रखा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें एक चीज़ ये है कि मान लीजिए इसमें एक रूल कैसे एप्लीकेबल होता है जब रुपए क्रेडिट कार्ड का, कि डिसाइड कैसे होगा कि इस नंबर अगर इस रुपए क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजेक्शन कर ली तो बाकी से नहीं होगी। दोस्तों मान लीजिए आपके पास जो आपका मोबाइल नंबर है और आपके सारे रुपए क्रेडिट कार्ड उसी मोबाइल नंबर से लिंक हैं, तो आपने अगर अपने उस मोबाइल नंबर से जो रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक है उससे UPI पेमेंट कर ली और उससे बाकी जो अदर रुपए क्रेडिट कार्ड भी लिंक है, तो यहाँ पर सभी में दोस्तों वो रूल एप्लीकेबल हो जाएगा और उस नंबर से सभी एक बार 2000 की ट्रांजेक्शन करने पर बाकी सभी रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो लिमिट है वो अपने आप यहाँ पर दोस्तों रुक जाएगी, सेट हो जाएगी, आप लोग UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास अगर 2 नंबर है, आपने 1 रुपये क्रेडिट कार्ड दूसरे नंबर पर ले रखा है और दूसरा रुपये क्रेडिट कार्ड दूसरे नंबर पर ले रखा है, तब आप लोग 2 रुपये क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 2000 रुपये की। लेकिन एक ही मोबाइल नंबर से आपके सारे रुपए क्रेडिट कार्ड अगर लिंक है
तो आप लोग उसको एक भी क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये की यूपीआई पेमेंट करेंगे एक दिन में 24 घंटे में, तो बाकी क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये की यूपीआई पेमेंट जो फ्री वाली होती है वो नहीं होगी। यानी कि अब एक दिन में आप लोग एक ही बार 2,000 रुपये की यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, उससे नीचे की या 2,000 की आप लोग बाकी क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते हैं, ऊपर की कर सकते हैं अगर मर्चेंट ने यहाँ पर उसको एक्सेप्ट जो है वो कर रखा होगा। तो आई होप आप लोग डिटेल में जो है वो यहाँ पर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिंक सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल। बाकी दोस्तों में दीजिए आगे, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।